ही है, एक बस नाम ही गूंज रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ईश कुमार हांडा, आयुर्वेदिक एडवाइजर हैप्पी हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, हमारी जो कड़ी चल रही है आपको अपने प्रोडक्ट से रूबरू कराने के लिए, आज उसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है रक्त निर्मल। ये रक्त को निर्मल करने के लिए कारक है। रक्त की निर्मलता से तात्पर्य है कि आपके रक्त में किसी भी प्रकार का विकार हो, अशुद्धियां हो, उसको ये जड़ से मिटाने के लिए कार्यरत है। फ्रेंड्स, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अपने किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स या खून में जैसे रक्त के विकार हैं उनको रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेकर परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। स्किन में किसी भी तरह का रोग हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, आपके फेस पे पिंपल हो, एक्नेज हो, आपको लाइकन प्लानस हो, आपके टांगों में सूजन हो, फ्लैरियसिस हो जिसमें टांग हाथी की तरह सूज जाती है, किसी भी जगह पे खून का दौरा रुक रहा हो, किसी भी तरह के आपके शरीर में विशुद्धियां हो, अशुद्धियां हो, टॉक्सिन्स हो, उन सबको अचूक और रामबाण तरीके से शरीर से खदेड़ने के लिए इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों ये HHI की एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस तरह की किसी भी चीज के साथ लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार है। फ्रेंड्स, इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में आपको रूबरू कराना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले है अनंत मूल। अनंत मूल अपने खून को साफ करने के लिए वर्ल्ड वाइड जाने जाती है। अनंत मूल एक ऐसी औषधि है जिसके अंदर जितने भी केमिकल एल्कलॉइड्स हैं वो कि शरीर के अंदर जाते सार ही विशुद्धियों को शरीर से बाहर निकालते हैं, हमारे जो सेल्स में जो टॉक्सिन्स जा चुके हैं उनको सेल्स की सफाई करते हैं और स्किन को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं, बॉडी को पूरी तरह साफ कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, किडनीज में आई हुई दिक्कत को जिसमें क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए सहायक और कारक है। इससे अगला इंग्रेडिएंट है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा भी फ्रेंड्स खून को साफ करने के लिए जानी जाती है और पूरे के पूरे विश्व में इसका लोहा माना जाता है। स्किन की किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो ये उसमें अच्छी कार्यरत दवाई है और औषधि अचूक है। जिसने मंजिष्ठा का सेवन किया ये हो ही नहीं सकता कि उसकी स्किन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रह जाए। ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो सेल्स की सफाई का प्रोसेस है, इसके रहते हुए ना हो। इसमें अगला प्रोडक्ट है हरितकी, विभीतका और आंवलकी। दोस्तों, ये त्रिफले के इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों एक रसायन औषधि है जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, रक्त को निर्मल करने के लिए जानी जाती है। अगर आपका बॉडी डिटॉक्स होगा तो कोई भी रोग आपके शरीर को नहीं लगेगा, अगर लग भी गया तो खून की सफाई से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इसमें अगला है मुलैठी। मुलैठी अपने एक नेचुरल स्टीरॉइड्स करके स्किन, बॉडी, ब्रेन, हार्ट, नर्व्स, किसी भी तरह के बॉडी के ऑर्गन को साफ करने के लिए कार्यरत है, उसकी सफाई करती है, उसको डिटॉक्स करती है। फ्रेंड्स, उसके बाद है भूमि आंवलकी। भूमि आंवलकी बॉडी को साफ करने के लिए, लीवर को ताकत प्रदान करने के लिए, नसों को ताकत देने के लिए, रक्त की किसी प्रकार की अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कार्यरत है। ये हर प्रकार के रोग में कार्य करती है, जहां पे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाएं, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाएं, कहीं ब्लॉकेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाएं या लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाएं। उसके आगे वाला है पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा शरीर के अंदर से गर्मी को बाहर निकालता है, शरीर की विशुद्धियों को बाहर निकालता है, पेशाब के राही और स्टूल के राही, ये इन दोनों राह से हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको खदेड़ता है, रक्त को निर्मल करता है, रक्त को ताकतवर बनाता है ताकि वो शरीर के हर एक अंग तक पहुंच के अपना सुचारू रूप से कार्य कर सके और सेल्स में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए। फ्रेंड्स, उससे अगला है विडंग। जो विडंग है वो एक अचूक औषधि है। शरीर में किसी भी प्रकार के जैसे कीटाणु हो जाते हैं, पेट के कीड़े जिसको हम लोग कहते हैं, उसको शरीर से बाहर खदेड़ने के लिए अचूक कार्य करने वाली दवाई है। इसका भी समावेश हमने रक्त निर्मल में कर रखा है, प्लस ये खून को साफ भी करती है और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अचूक औषधि है। उसके अगला है दारू हल्दी। दारू हल्दी खून को साफ करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स करके जो भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनको खदेड़ती है शरीर के बाहर, पेशाब और स्टूल के राह ये शरीर की सफाई करती है। उसके आगे वाला है नीम तत्व। जो नीम है उसने लोहा पूरे विश्व में बना रखा है अपने खून की सफाई का। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कि खून के अंदर विशुद्धियों करके हो
और नीम उसके ऊपर अचूक औषधि की तरह कार्य ना करे ये हो ही नहीं सकता। उसके अगला है चिरायता। चिरायता खून को साफ करने के लिए, लीवर को ताकत प्रदान करने के लिए, बॉडी में से टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर खदेड़ने के लिए कार्यरत है। दोस्तों ये पूरा एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि खून की सफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, गर्मी को शरीर से बाहर निकालता है, भूख बढ़ाता है, स्किन की कोई भी तरह की बीमारी को ये खदेड़ने के लिए कार्यरत है, इवन तक कि ये कैंसर में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन लोगों को कैंसर की जो कीमोथेरेपी चल रही होती है ये उसमें भी उसका समावेश आराम से कर सकते हैं। किसी को एक्जीमा हो, सोराइसिस हो, लाइकन प्लानस हो, स्किन रिलेटेड कोई एलर्जीज हो, छपाकी हो, ये उन सब चीज़ों में भी कार्य करता है। इवन जिन लोगों के डायलिसिस भी चल रहे होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो डायलिसिस एक प्रक्रिया है उसमें खून की सफाई करते हैं और इसका भी मेन कार्य है खून की सफाई करना। आप इसको भी एक चिकित्सक की परामर्श के अनुसार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी भी एक भी मरीज को उसके रक्त विकारों से निजात दिला पाया या अपने इस प्रोडक्ट से उसकी सेहत को अच्छा कर पाया। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी है इस प्रोडक्ट को लेकर के आप मेरे से हेल्पलाइन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे खुशी होगी आपकी ये एक मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी भी प्रकार से आपकी मदद कर पाया। हमारी HHI की पूरी टीम आप सब लोगों के साथ है, हम ऐसी हमेशा कोशिशें करते रहते हैं कि हम आप तक एक यूनिक प्रोडक्ट पहुंचाएं ताकि आपके जो रोग हैं जो आपके शरीर को खराब कर रहे हैं हम उनको आपके शरीर से ही खदेड़ सकें। हैप्पी है एक बस नाम ही गूंज रहा।